स्काई चैनल 772 पर ये काशी टेलीविजन है। काशी टेलीविजन आपकी सेवा में इंग्लैंड से टेलीकास्ट करता है और हम हिल टॉप वेस्ट फ्रॉमविच बर्मिंघम से बोल रहे हैं। आपकी सेवा में अब काशी टेलीविजन से हफ्तावार प्रोग्राम पेश किया जाएगा तहजीब। तहजीब प्रोग्राम को आप स्काई चैनल 772 पर सारी यूरोप, सारी अमेरिका और सारी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी अच्छी टेलीकास्टिंग को देखने वाले लोग रहते हैं और एंटरटेनमेंट के साथ इंफॉर्मेशन को भी पसंद करते हैं आप देखते हैं, और फिर उसके साथ आप काशी टेलीविज़न को अपने फेसबुक पर भी देखते हैं और उसके अलावा इस प्रोग्राम को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। सारी दुनिया में इस प्रोग्राम को www.kashitv.co.uk पर देखा जा सकता है। हम दो भाई, मैं विकी गिल और मेरे साथ विजय मोमी जी, आपकी सेवा में पूरे एक घंटे के लिए रहेंगे और उस एक घंटे को एक मिनट की तरह किस तरह से पास किया जा सकता है वो हम आपको काशी टेलीविजन से बताएंगे। कैमरे के सामने मैं विकी गिल रहूँगा और कैमरे के परली तरफ दुनिया के सबसे मशहूर फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर जिनका सानी कोई नहीं, विजय मोमी जी रहेंगे कंट्रोल्स पर। जब आप टेलीफोन करेंगे तो वही उस टेलीफोन को उठाकर बात करवाएंगे। आज के प्रोग्राम में करने से पहले पहले प्रोग्रामों में ताउन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत थैंक यू। काशी टेलीविज़न पर इस प्रोग्राम को और काशी टेलीविज़न को सिर्फ इंग्लैंड में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में देखा जाता है और इस बात का सबूत अब बहुत जल्दी ही आपको मिलने वाला है तहजीब प्रोग्राम के एक नए फीचर के साथ। आज के प्रोग्राम में आपको बहुत कुछ बताना है। आप तो जानते ही हैं कि अभी एक दो दिन पहले ही जन्माष्टमी का त्यौहार होके हटा है, तो आज एक छोटा सा स्पेशल प्रोग्राम भी आपकी सेवा में पेश करना है, जो कि मुकेश जी जो कि एक बहुत बड़े सिंगर हैं उनकी, और कमलजीत जी जो कि एक बहुत बड़ी योगा क्वीन भी हैं, एक एस्ट्रोलॉजर भी हैं और उसके साथ काशी टेलीविज़न की एक रिस्पेक्टेबल प्रेजेंटर भी हैं, इनकी मदद के बगैर पूरा नहीं हो सकता था। तो फिर आइए आज के प्रोग्राम को जल्दी से शुरू करते हैं। आप तो जानते हैं कि इस प्रोग्राम में आप धीमी गति के समाचार सुनते हैं और भारत की एक जानी मानी पत्रकार जो कि ऐसे लोग जिन पर कि जुल्म होता था, ऐसी कम्युनिटीज़ जिनको कि खींच खींच कर नीचे रखा जाता था, ऐसे लोग जिनको सारी जन्म ही नहीं बल्कि पिछले 7 जन्मों से प्रताड़ना के अंडर रखा गया था, उनके दुखों को देखते हुए ये पत्रकार बनी थी। और आज भी भारत में जहाँ पर भी जुल्म होता है ये अपने ओहदे को, अपने स्टेटस को, अपनी स्टैंडिंग को, सब चीज़ों को भूल कर, जैसे मीराबाई कृष्ण का भजन जहाँ होता था वहाँ चली जाती थी, उसी तरह से ये भी अपने कागज़ पत्र, अपने असिस्टेंट, अपने कैमरे, अपने माइक को लेकर वहाँ पहुँचती हैं और उन गरीबों की खबरें आगे करती हैं। और काशी टेलीविज़न पर नई दिल्ली से ये अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर धीमी गति में, ताकि हर किसी को पसंद आए, वहाँ की कुछ हेडलाइंस आपकी सेवा में पेश करती हैं। उसके अलावा अब वो सबूत जो कि आप जानना चाहते हैं कि और क्या होगा, एक नया फीचर शुरू किया जा रहा है आप सबकी मेहरबानी से और ऊपर वाले की रास्ता दिखाने की वजह से, और उसका नाम है शाइनिंग स्टार्स। देखिए, जब एक्टर्स एक्ट्रेसेस मशहूर हो जाते हैं, राइटर्स मशहूर हो जाते हैं, प्रेजेंटर्स और हर जो भी लोग पब्लिक के सामने हैं मशहूर हो जाते हैं, दुनिया उनके पीछे भागती है। जब वो गिरते हैं तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि उनको संभालते हैं। ये उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। कई बार गिरने के बाद वो ऐसे उठ के खड़े होते हैं कि खूब तेज़ भागते हैं, कई बार वो ऐसे गिरते हैं कि गिरते चले जाते हैं और गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं। ये बहुत अफसोस की बात है कि जब वो स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जब वो दूसरों से डिस्क्रिमिनेट हो रहे होते हैं, ऐसे लोग जिनको कि उन्हें सपोर्ट करना चाहिए वही उनके साथ खड़े नहीं हो रहे होते, ऐसे लोग जो कि दोस्त बनकर पीठ में छुरा घोंपते हैं उनके वो विक्टिम्स बने होते हैं, उस वक्त उनको मीडिया में से कोई भी उठाने वाला नहीं होता, कोई भी टेलीविज़न उनके पीछे नहीं भागता, कोई भी अखबार वाला उनसे बात तक नहीं करता। लेकिन जिस दिन वो हिट हो जाते हैं उस दिन सब के सब उनके पीछे लग जाते हैं। काशी टेलीविज़न वाहिद एक ऐसा टेलीविज़न है जो कि स्टूडेंट्स की भी मदद करता है, जो कि हर दुखियारे की मदद करता है। उसके अलावा ये टेलीविज़न अब ऐसे जो एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं, राइटर्स हैं या फिर
पब्लिक स्पीकर्स हैं उनकी हेल्प के लिए ये छोटा सा फीचर तहजीब प्रोग्राम में कर रहा है। अब अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस है, स्टेज की है, सिनेमा की है, फिल्म की है या फिर वो थिएटर के हैं, तो उनका इंटरव्यू आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और काशी टेलीविज़न की पॉपुलैरिटी का तो आपको अच्छी तरह से मालूम ही है। सबसे पहला जो हमारा मेहमान होगा वो अमेरिका से आएगा, यानी कि यहाँ पर मैं उनका इंटरव्यू करूँगा। वो एक अमेरिकन फिल्म स्टार है, एक गोरा है और उसका नाम पैट्रिक है। सारा कुछ नहीं बताया जा रहा, कुछ कुछ बताया जा रहा है। और उसकी कुछ फिल्में जो कि वेरी हाई बजट की नहीं है, जहाँ से उसने शुरू किया है वो अब आ चुकी हैं। फेसबुक पर भी उनका रेफरेंस मिलता है, वेबसाइट्स पर भी उनका रेफरेंस मिलता है। और अब वो मेरे जान से प्यारे दोस्त बात करने की वजह से बन गए हैं। रोज़ हमारी ईमेल्स एक्सचेंज होती हैं, टेक्स्ट मैसेजेस आते जाते हैं, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहा जाता है। ये सब कुछ काशी टेलीविज़न की मेहरबानी से ही तो है। तो फिर आपको उनसे दूर नहीं रखा जाएगा, पैट्रिक से आपकी मुलाकात बहुत जल्दी ही करवाई जाएगी। बांका जवान है, आफ्टर ऑल फिल्म स्टार है और हीरो है, तो उत्ते गोरियां दा मुंडा थे, वो भी अमेरिकन। तो आप ज़रूर आने वाले प्रोग्राम्स को देखते रहें। उनके बाद और भी बहुत से जो हमारे स्ट्रगलिंग स्टार्स हैं उनके इंटरव्यूज़ आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। डिस्क्रिमिनेशन इस लाइन में बहुत है। जिन दिनों मैंने शुरू किया था, आप सबके सामने शुरू किया था, स्टेज से किया था, फिर मैं फिल्मों में आ गया, फिल्मों के बाद मैं रेडियो पे चला गया, रेडियो के बाद अब मैं टेलीविज़न की दुनिया में हूँ और मैं यहीं से रिटायर हो जाऊँगा। आप तो काशी के बारे में जानते ही हैं। काशी शहर में सुना है कि जो लोग प्राण त्यागते हैं वो सीधे स्वर्ग में जाते हैं, ये मानने ना मानने वालों पर डिपेंड करता है। तो फिर काशी टेलीविज़न को देखते हुए अगर हम स्वर्गवास भी हो जाते हैं तो ऑफकोर्स स्वर्ग में ही जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काशी शहर तो है नहीं, लेकिन काशी शहर में इस टेलीविज़न को ज़रूर देखा जाता है, इस बात की गारंटी है। तो कहीं ना कहीं से लड़ियाँ जोड़ते जोड़ते स्वर्ग में जाने के लिए तो हम बहुत कुछ करते हैं। आप क्या करते हैं ये भी टेलीफोन करके बताइएगा। एंड पैट्रिक के बाद आपकी सेवा में इंग्लैंड के भी जो सितारे हैं जो कि अभी स्ट्रगल कर रहे हैं और एक ना एक दिन तो कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, उनके इंटरव्यूज़ भी आपकी सेवा में पेश किए जाएंगे। और आज राज साहब को ज़रूर टेलीफोन भी किया जाएगा। और उसके अलावा फिर उसके बाद हम मुंबई से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से जो लड़के लड़कियां खूब स्ट्रगल कर रहे हैं और उस स्ट्रगल में उनका कोई साथी नहीं होता, तो काशी टेलीविज़न उनका साथी बनेगा और उनके इंटरव्यूज़ आपकी सेवा में पेश करेगा। सिर्फ यही नहीं हो रहा, बल्कि आप तैयार हो जाइए। और ख़ास करके हमारे सिर्फ जो बुज़ुर्ग हैं वही नहीं, बल्कि जवान लोग भी वसीयत बनवाने के लिए, एक वकील साहब हैं, उनका नाम है मिस्टर स्टीव प्राइस। ये जो वकील साहब हैं, मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, इनका इंटरव्यू आने वाला है। ये इनका कार्ड है, मैं आपको दिखाता हूँ। और ये परफेक्ट विल्स एंड इस्टेट प्लान्स से आएंगे और इनका टेलीफोन नंबर 08005310283 है जी। और इनका एड्रेस तो मेरे घर के बिल्कुल पास है, यानी कि 54A बॉल्डमियर रोड, सटन कोलफील्ड, बर्मिंगहम, B73 5TJ। इनकी वेबसाइट भी है www.perfectwills.co.uk। एक घंटे का प्रोग्राम इन्होंने स्पॉन्सर करवाया है। आप देखना कि अभी कुछ ही दिनों के बाद एडवर्टाइजमेंट लग जाएगा और वो टेलीविज़न पर आएगा। और पहली अक्टूबर को, 1 अक्टूबर, इन्होंने आना है स्टूडियो में। और स्टूडियो में आकर ये आपको बताएंगे कि आपको कौन सी वसीयत बनवानी चाहिए। उसके बाद आपको ये पावर ऑफ अटॉर्नी और लास्टिंग पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में भी बताएंगे। और अगर आप ट्रस्ट में विल डालना चाहते हैं, अगर मैं सही कह रहा हूँ, ट्रस्ट में विल डालना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी ये आपको ज़्यादा बताएंगे यहाँ पर आके। हम सबको अपनी अपनी वसीयत बनवानी चाहिए, विल बनवानी चाहिए, और किस तरह से बनवानी चाहिए एक प्रोफेशनल ही आपको बता सकता है। वरना आप तो जानती हैं कि एशियन कम्युनिटी में हेयर ड्रेसर भी, सब्ज़ी बेचने वाला भी, उसके बाद मिनियारी वाला भी, उसके बाद ये चॉकलेट टॉफियाँ,
क्रिस्प बेच बेच कर जो अमीर हुए हुए हैं वो भी, और उसके अलावा वो शराब बेचने वाले जिन्होंने ऊपर भगवान की फ़ोटो लगाई होती है और नीचे बेंसन्स और दूसरी सिगरेटें बेच रहे होते हैं, वो भी इन चीज़ों के बारे में आपको सारी राय देते हैं। लेकिन मिस्टर स्टीव प्राइस एब्सोल्युटली इज अ प्रोफेशनल एंड वो आकर आपको सारा कुछ इसके बारे में बताएंगे। और मैंने उनके साथ मिलकर एक स्क्रिप्ट भी बनाई है और ये प्रोग्राम होने के बाद ये हुसन जो है ये मेरे लुस लुस करते हुए अंग इनकी एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। आप उस एडवर्टाइजमेंट को ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होने वाला है, वो क्या होने वाला है इस प्रोग्राम में वो बताया जाएगा। लेकिन पहले आइए चलते हैं नई दिल्ली। नई दिल्ली में श्रीमती सुमन बख्शी पत्रकार पिछले हफ्ते के धीमी गति के समाचार आपकी सेवा में सुनाएंगी। और ये मैंने डिफरेंट कलर की शर्ट इसलिए पहनी हुई है क्योंकि ये कल मैंने यस्टरडे रिकॉर्डिंग की थी। आइए चलते हैं सुमन बख्शी जी के पास। आजकल इंडिया में कितनी जल्दी नंबर मिल जाता है, पहले कई कई दिन इंतजार करना पड़ता था। हेलो सुमन। हेलो। हेलो सुमन जी, नमस्कार। नमस्कार। हमने सुना है मुकेश अंबानी के टेलीकॉम कारोबार पर खूब पैसा बरस रहा है और बाकी सब घाटे में जा रहा है, इसका क्या सीक्रेट है? एशिया के सबसे अमीर मुकेश अंबानी उस टेलीकॉम पर दाव लगाकर मालामाल हो रहे हैं जिसमें उनके छोटे भाई अनिल अंबानी और कुमार मंगलम बिरला बर्बाद हो चुके हैं। 125 अरब की आबादी, क्या अमीर क्या गरीब, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। दिन भर दिन अपडेट होती टेक्निक दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम के बाजार में मुनाफा कमाने के लिए किसका दिल नहीं ललचाएगा। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, घाटे में चल रही बिरला की आइडिया ने वोडाफोन से साझेदारी करके सेक्टर में वापस का दम भरा था, लेकिन अब ये काम नहीं आ रहा। लेकिन मुकेश अंबानी ने जो तकनीक अपनाई है उससे उनके कारोबार में 30 अरब डॉलर से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो गई है। रिलायंस जियो में इन्वेस्ट करने वालों में फेसबुक, जनरल अटलांटिक जैसे कंपनियां शामिल है। मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्री को एक ही झटके में कर्ज मुक्त कर दिया है। वाह वाह, ऐसा इंडिया में ही हो सकता है? और पिछले दिनों पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर पर हमला हुआ, भारत में शोर मच गया। भारत के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर श्री इमरान खान जी ने कहा हम मरम्मत करवाएंगे, आप इस बारे में क्या टिप्पणी देंगी? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि बहुत ही बुरा हुआ है और पाकिस्तान की सरकार इस मंदिर की मरम्मत में पंजाब के आईजी से कह चुके हैं, वो भी सभी दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने बोला है। सादगी बाग के भोंग शरीफ इलाके में फिलहाल पुलिस अभियान जारी है। उन्होंने कहा कि इस इलाके में रेंजर्स और पुलिस ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया है। राइट सुमन जी, यूनाइटेड किंगडम में तो ओलंपिक्स में जो यूके है वो मेडल पे मेडल जीत रहा है, और भारत की क्या रिपोर्ट है? जी, इसमें भारत ने भी इतिहास रचे हैं। जैसे जो एथलेटिक्स में है, गोल्ड मेडल मिला है हमारे यहाँ के नीरज चोपड़ा जी को, और हॉकी में जो ब्रॉन्ज मेडल मिला है, कुल मिलाकर के 7 मेडल मिले हैं, 3 ब्रॉन्ज, 2 सिल्वर और 1 गोल्ड। तो इसमें जैसे हॉकी में है, 41 इयर्स के बाद हॉकी को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो इसमें हमारे इंडिया में भी जैसे कहते हैं कि काफी लोग खुश हैं और कई रिकॉर्ड भी टूटे हैं। That's very true. आप तो जानते ही हैं आजकल अफगानिस्तान की तरफ कितनी खलबली मची हुई है, तो क्या तुर्की क्या तालिबान के रवैये के कारण अफगानिस्तान छोड़ने पर विवश हुआ है? अफगानिस्तान छोड़ने के फैसले के एक दिन बाद तुर्की ने अपने सैनिकों को के पहले ग्रुप को वहां से बाहर निकाल लिया है। अफगानिस्तान से तुर्की के तकरीबन 345 सैनिक अंकारा पहुंच गए हैं। अफगानिस्तान से निकाले गए तुर्की के सैनिकों को लेकर पहला हवाई जहाज पिछले हफ्ते अंकारा उतरा। तुर्की के रक्षा मंत्रालय ने यह घोषणा की थी कि सैनिकों को निकालने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अफगानिस्तान में तुर्की के 500 से ज्यादा सैनिक तैयार थे,
लड़ाई में जैसे उनका कोई रोल नहीं था, बल्कि उनको नेटो की दूसरी योजनाओं में शामिल किया गया था। राइट। अब इस प्रोग्राम का आखिरी क्वेश्चन इस हफ्ते के लिए कि सुमन जी, तालिबान ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर बताया है, पर कश्मीर पर क्या कहा है, ये आप बताइए। तालिबान के प्रवक्ता जबीबुल्ला ने मुजाहिद ने पाकिस्तान की को तालिबान को जो है, तालिबान के जो प्रवक्ता है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है उनका दूसरा घर है। मुजाहिद ने कहा कि अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट और तहरीके तालिबान पाकिस्तान के मुद्दे पर अपनी, उन्होंने ये भी कहा कि अपनी जमीन पर किसी के जो ऑपोजिट है वो अपनी जमीन किसी के ऑपोजिट इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा इस संबंध में हमारी नीति स्पष्ट है, ये जो है मुजाहिद जो है प्रवक्ता है अफगानिस्तान के, उन्होंने बोला है। और इससे पहले कई मौकों पर वो कह चुके हैं कि वे अपनी जमीन पर टेररिस्ट एक्टिविटी नहीं होने देंगे, लेकिन चीन समेत दुनिया के कई देश इस दावे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। मुजाहिद ने भारत और पाकिस्तान के बीच लंबे समय से जारी विवाद पर कहा कि दोनों देशों को एक साथ बैठकर ये मसला सुलझा लेना चाहिए। राइट। सुमन जी, थैंक यू वेरी मच इंडीड। आप अपने कीमती समय में से कुछ पल निकालकर काशी टेलीविजन पर आई, इसके लिए आपकी बहुत बहुत मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय काशी टेलीविजन पर पिछले हफ्ते के धीमी गति के समाचारों के सेगमेंट में आपसे एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच इंडीड। अभी आपने सुमन बख्शी जी से स्काई चैनल 772 पर काशी टेलीविजन पर वेरी वेलकम बैक। अभी आपने नई दिल्ली से धीमी गति के समाचार पत्रकार सुमन बख्शी जी से सुने। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से सुमन बख्शी जी से पिछले हफ्ते जो समाचार भारत में सुर्खियों में हेडलाइंस रही हैं वो ज़रूर सुनिएगा। अब इंग्लैंड में इस वक्त दोपहर के 1:20 हो गए हैं और 1:20 पर इस प्रोग्राम को दो हिस्सों में बांटा जाता है। पहला हिस्सा तो ये कि अब हम उस परमात्मा को थोड़ी देर के लिए याद करेंगे जिसकी मेहरबानियों से ये सारी दुनिया चल रही है, जिसकी मेहरबानियों से काशी टेलीविज़न आपकी सपोर्ट के बगैर भी खड़ा है और चल रहा है, और जिसकी मेहरबानी से, जिसके सांस लेने की वजह से हम सब सांस ले रहे हैं और मैं जिंदा आपके सामने टेलीविज़न पर प्रोग्राम कर रहा हूँ, अच्छा खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं और वेरी एक्सपेंसिव किस्म का मेकअप किया है और टॉप ऑफ द रेंज टेलीफोन भी है, और उसके अलावा आज जिस कंट्री में हम बैठे हैं इस कंट्री की तो हवा ही एयर कंडीशन है, वरना आप इंडिया में देखिए इस वक्त कितनी गर्मी है, पाकिस्तान में देखिए हालात क्या चल रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हुआ है वो तो कभी किसी के साथ ना, हम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। और वो जो सुपर पावर है, वो जो एक शक्ति है जिससे कि दुनिया का सारा निज़ाम चल रहा है, हमें उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, हमें उससे डरना चाहिए और हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। हम सब बहुत गुनाहगार हैं, सिर्फ सच्चा नाम उसका है और दुनिया में उसी ने रह जाना है। जब प्रोग्राम की मुझे तैयारी करवा रही थी योगा क्वीन कमल जीत जी, तो पैसे की कोई बात हुई और मैंने कहा बहुत से लोग बहुत काम करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, उनके पास 200 घर होते हैं, उसके अलावा उनके पास और भी बहुत कुछ होता है। तो वो कहने लगी तुम ये प्रोग्राम तैयार करो, वो मूर्ख होते हैं, उन्हें पता ही नहीं वो कर क्या रहे। और ये बात उनकी मेरे दिमाग में घर कर गई कि सचमुच वो लोग मूर्ख होते हैं जो कि बगैर किसी एम के और दुनिया में किसी का भला किए बगैर कुछ भी एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। हरकत में बरकत है, इस बात को हमने नहीं भूलना चाहिए, लेकिन अगर हमारे एक्शन से किसी का फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इस दुनिया में जीने का कोई फ़ायदा नहीं। विजय शर्मा जी आपको मालूम है, जो कि कुछ समय पहले हम सबको छोड़ के चले गए, उनके ना होने से ये दुनिया बिल्कुल भी वैसी नहीं रहेगी जैसी कि तब थी जबकि वो इस दुनिया में थे। आज हम उनको याद करते हैं, जैसे बैठे थे बस बैठे बैठे वो यूं चले गए, और इतनी जैसी उनकी मौत हुई दुनिया वैसी मौत मांगती है कि हम चलते फिरते चले जाएं। उस आदमी ने
लंबे लंबे भगवान के नाम नहीं लिए थे। उस आदमी ने जगह जगह खड़े होके बस वो क्या करता था, ये क्या करता था, वो क्या करता था, ये नहीं किया था, वो सबको खाना खिलाता था। वो हर कोई लड़का जो भारत से या पाकिस्तान से कहीं से भी आता था, कोई भी था, उसको नौकरी लगवा देता था। किसी की शादी नहीं होती थी, उसकी शादी करवा देता था। कहीं पर फंक्शन होता था, वहाँ जाके वो अपनी डोनेशन ज़रूर दिया करता था, थोड़ा थोड़ा हर किसी को दान करता था। इसी के सदके में शायद ऊपर वाले ने उसके प्राणों को इतनी आसानी से निकाला। बहुत से इस तरह के हैं जिनको मौत नहीं आ रही, आपको पता है, जगह जगह खड़े, उनके चेहरों पर से लानत बरस रही होती है और उनके रिश्तेदार उनके लिए मौत मांगते हैं, उनको मौत नहीं आती, क्योंकि उन्हें दुनिया का नुकसान करने से ही फुर्सत नहीं मिल रही। आप इस बात को भी अच्छी तरह से जानते हैं। कितने ही लोग हैं, कितने बुजुर्ग हो गए हैं, एड़ियां रगड़ते हैं, नेपियां लगी हुई हैं, बैग लगे हुए हैं, घर वाले पास खड़े होकर अरदास करते हैं कि पर्दा पालो, पर्दा नहीं पड़ रहा। आपको मालूम है कि ज़िंदगी में उन्होंने बिल्कुल भी किसी के लिए कुछ नहीं किया। अब नाम लेना तो कोई ज़रूरी नहीं है, हमें इज़्ज़त सिखाई गई है और हम हर किसी की इज़्ज़त करते हैं। हमारे ही शहर के एक इतने बड़े बिजनेसमैन ने कोवेंट्री में अपनी बीवी को छुरी से मार के खुद सिर के ऊपर तेल पा के आग लगा के मर गया। ये आप इमेजिन करो, क्या आप ऐसा करोगे? क्या आप ऐसी मौत मरना चाहेंगे? इतना उसके पास पैसा था, उसने कभी किसी का भला नहीं किया, उसने कभी किसी मंगते को धेला नहीं दिया था, उसने कभी कुछ नहीं किया था, मेरा प्रोग्राम तो कभी स्पॉन्सर नहीं किया था। एक बड़े इम्पॉर्टेंट उन्हीं के रिलीजन के प्रोग्राम की स्पॉन्सरशिप के लिए मैं उनके पास गया था और उस बंदे ने मुझे 50 तरह की बातें सुनाई थी और मुझे 150 पाउंड नहीं दिया था, जो कि मिलियंस का मालिक था। और फिर उसके बाद वही पर्सन दुनिया के आगे मेरे कंधे पर और मेरे सर पे हाथ रखे कहता था, साडा मुंडा है, सानू ये देते फख्र है। ये दुनिया फ्रंट में कुछ और है और पीछे बिल्कुल कुछ और होती है। आइए प्रोग्राम में पहले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम, गुड आफ्टरनून। हाँ जी, गुड आफ्टरनून भाई, आपका क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप सुनाएं। सब बिल्कुल ठीक है, सबको मेरी सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, नमस्ते, राम राम, एवरीथिंग। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आशीष काम आती है, लोगों से आशीषें लिया करो, अच्छा होता है। एक आदमी ने सोचा कि मैं मर जाता हूँ, मैं दुखी हो गया हूँ, मरना चाहता हूँ। वो पुल के ऊपर जाके उसने पानी में छाल मारी मरने के लिए। इतने में दो आदमी उसे बचा लाए, तो वो आदमी कहने लगा, भगवान मैंने तो मरने के लिए छाल लगाई, तो मुझे बचा के लिया। कहता है, तू तो मरने वाला था, मरना जो तेरे बचाने वाले आशीषें दे रहे हैं, मैं उनको क्या बताऊं? उन्होंने कहा कि इसको मरने नहीं देना, तो इसलिए मैंने आपको बचाया। कहने का भाव है, किसी की आशीष काम आ जाती है। देखो, बच्चों के लिए हम झूठ बोलते हैं, बुरे काम करते हैं, ठगी ठगी करके पैसा कमा के बच्चों को लाते हैं। बच्चों का कोई कसूर नहीं, उनको कोई पता नहीं कि पैसा कहाँ से आया है, उनको पता है कि पैसा आया और हमने खाना है। लेकिन जो आदमी करता है भुगता वही है, बिल्कुल तो कोई नहीं भुगता। एक बार एक आदमी ना आम के बाग में गया, वो आंखों ने माल आम देखे बड़े सुंदर, तो अब आंखें तो चल नहीं सकती ना, पैदल चल के गए, आंखों ने आम नहीं खाए, पैरों ने तो हाथ से तोड़े नहीं, आगे हाथ गए, हाथों ने तोड़ा जी। तो फिर भी जो हाथों ने आम नहीं खाए, फिर उसने मुंह में डाले, तो मुंह में भी नहीं रखे, पेट में डाले। इतने में ना वो माली आ गया बाघ का, उसने उसे 3-4 उसने ना पीछे उसके ना ठोक दी डांगे। जब ठोकी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो कहने का भाव है कि आंखों ने कसूर किया था, आंखों ने ही पे किया है, उसकी आंखों में तभी आंसू आए क्योंकि उसने गलत काम किया। That's very true. भाव है जहाँ से चलते। देखो, हम कोशिश होती है, मैं एक साधु के पास गया, मैंने कहा मेरी वाइफ से बड़ी लड़ाई होती है, कोई ऐसा नुस्खा बताओ कि मेरी लड़ाई ना हो। कहता है, जिंदगी में एक याद रखो, लेडीज कोशिश होती है, अगर उनको बोलो खाने की तारीफ करो, जैसा भी खाना हो उसकी खाने की तारीफ करो, लेडीज बड़ी खुश होते हैं, आधी लड़ाई खत्म हो जाती है। आपने कभी तारीफ की है? मैंने कहा मैंने जिंदगी ने की है, पर कल से तारीफ करूंगा। तो घर गया तो टेबल पे खाना लगा था, मैंने कहा सब्जी बड़ी सुंदर बनी है, कितनी डिलीशियस है, खीर कितनी स्वादी है, परोठे कितने मजेदार है, वाह भाई सलाद कितना अच्छा बना है।
तो मैंने कहा दिल करता है जिसने बनाया उसका हाथ चूम लूं, तो मेरी वाइफ ना डंडा लेके आ गई, आज ही पड़ोसन देगी रोटी और तुमने वो हाथ चूमने की बात उसकी कर दी। देखो किस्मत होती है ये। किस्मत जी बिल्कुल। कभी कभी आदमी फंस जाता है, कभी कभी अच्छे काम भी करता है ना वो भी फंस जाता है। जी हाँ। एक दफा मैं ना सी साइड गया। हाँ जी। बड़ी शानदार लेक डिस्ट्रिक्ट है इंग्लैंड में। हाँ। तो वहां में गया तो बड़ी सुनी लेक देखी। तो मैं फटोफट ना अपने होटल में जाके अपनी वाइफ को ईमेल भेजी, आई विश यू आर हेयर। यस। तो एकदम काली में भेजी ना आई विश यू आर हेयर, तो ई अकेला खा गया। हाँ। तो लिखा था आई विश यू आर हार। तो मेरी शामत आ गई। तो फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें पिक्चर दिखाने के लिए ले जाता हूँ, जस्ट टू कवर, लड़ाई तो खत्म करनी थी। पिक्चर देखने गए ना, तो मैं बुरे दिन की बात करता हूँ, जब पिक्चर देखने गए तो जो लड़का टिकटें दे रहा था वो मुझे जानता था जी। तो कहता गुरबचन भाई कौन सी टिकटें दो, मैं क्या हमारी नई शादी हुई है, कोई दो कार्नर सीट दे दो जी। उसने एकदम दो कार्नर सीट दे दिए। तो मैंने वाइफ को बोला देख मेरी कितनी रखी खाई है, एकदम कहने से दो कार्नर सीट दे दी जी। जब मैं पिक्चर हॉल में गया तो एक लेफ्ट कार्नर थी एक राइट कार्नर की जी। तो फिर वही हाल हुआ, मुझे मार पड़ी। फिर मैंने कहा चलो तुम्हें अमृतसर बाबा जी के दर्शन करा लाता हूँ जी। तो जब रेलवे स्टेशन पे गए ना तो वहां बड़ा ट्रैफिक था, बहुत रश था जी। पता है वहां स्टेशन पे न्यू दिल्ली में कितना रश होता है। हाँ। रश था। तो मेरे पास ना हमेशा एक रबड़ का सांप रखा हुआ था वाइफ को डराने के लिए जी। तो मैंने ना खीले डब्बे में अपना जो रबड़ का सांप था उसमें फेंक दिया। तो मैंने कहा सांप है सांप, वो डब्बा खाली हो गया। तो मैंने वाइफ को बोला चलो हम आराम से अंदर सो जाते हैं, चटकी लगा के सुबह अमृतसर पहुंच जाएंगे। जब सुबह आई ना तो वो कहने लगे चाय गरम अंडे गरम। तो मैंने दरवाजा खिड़की खोल के पूछा भाई हम अमृतसर पहुंच गए हैं। हाँ। कहते हैं नहीं ये सांप वाला डब्बा यहीं काट गए थे। तो कहने भाव है कि कभी कभी आदमी फंस जाता है। एब्सोल्युटली। भला देखो हर आदमी की कोशिश होती है कि मैं दूसरियों की लड़कियां देखूं, वाइफ देखूं और माँ देखूं लेडीज, लेकिन मेरी वाइफ को कोई ना कोई देखे। ये हमेशा तो मैं कह देता है आदमी गलत काम करता है पकड़ा जाता है। right. मैं इसमें बताना चाहता हूँ। ठीक हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो आदमी था ना वो एक घर में जाता था दरवाजा खड़काता था 3 बजे, तो उसकी एक लड़की लेडी दरवाजा खोलती थी पूछती आप कौन है, कहती है जब दरवाजा खोला खोलती थी ना तो आदमी कहता तू तो बहुत सुंदर है, तो ये लेडी दरवाजा डर कर दरवाजा बंद कर देती थी। रोज 3 बजे आता था दरवाजा खड़काता था, ये खोलती थी वो कहता है तू बड़ी सुंदर है वो दरवाजा बंद कर। तो एक दिन उसका हस्बैंड घर में था तो वाइफ ने हस्बैंड को बोला एक आदमी 3 बजे आता है दरवाजा मेरा खड़काता है मैं खोलती हूँ, तो वो कहता है तू बहुत सुंदर है मैं डर जाती हूँ मैं दरवाजा बंद कर दे। तो आदमी कहने वाला कोई बात नहीं मैं आज सोटा लेके ना दरवाजे के पीछे खड़ा हो जाता हूँ 3 बजे, तुम दरवाजा खोलना फिर बातें खोल के करना मैं उसका सिर पाड़ूंगा। कहने लगी वाइफ ठीक है। वो 3 बजे ना उसने खड़काया तो उसने दरवाजा खोला, तो फिर कहने लगा तू बड़ी सुंदर है। तो वो लेडी कहने लगी भाई तुम रोज मुझे सुंदर क्यों कहने आते हो, कहता है मैं इसलिए सुंदर कहने आते हो तू इतनी सुंदर है तू अपने हस्बैंड को नहीं बोल सकती कि मेरी वाइफ का पीछा छोड़े। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आपकी बड़ी मेहरबानी। आप आए डंडा लेके उस लेडी ने हंसे हस्बैंड को कूटा जी। इतना का भाव है कि जब कोई फंसता है इस तरह फंसता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड, आप आए, आपकी बड़ी मेहरबानी। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय आपका फिर से इंतजार रहेगा। ठीक है इंसान बहुत सी बातों में इन्वॉल्व हो जाता है लेकिन आपके माँ बाप का लिया दिया फिर भी आपके सामने आता है और आपने जो कुछ किया है दुनिया की वेलफेयर के लिए डोनेशंस के तौर पर और ऊपर वाले के रास्ते में जो किया है उससे आप हमेशा बच जाते हो। आपको मालूम है कि हमारे होली बुक्स में भी पता लगता है कि कितने कितने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे गए और उन जो षड्यंत्र जो रचे गए हैं उनकी वजह से कितने कुछ हमें सीखने के लिए मिलता है कि कैसे वो लोग उसे बचे थे। लाक्षाग्रह के बारे में तो आप जानते ही हैं। इससे पहले कि जन्माष्टमी के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको दी जाए आइए प्रोग्राम के अगले मेहमान का स्वागत करते हैं। वेरी वेलकम जी, गुड आफ्टरनून। हेलो, गुड आफ्टरनून। सलाम अलैकुम, कैसे हैं इजाज़ साहब? वालेकुम सलाम, आपको प्रोग्राम कभी कभी देखता रहता हूँ। माशाल्लाह, थैंक यू, ये हमारी खुश नसीबी है। तो ये अभी आप देखें अफगानिस्तान की बड़ी खबरें आ रही हैं जिस तरह आपने भी खबरों में जिक्र किया है कि वो इस्लामी शरीयत लाएंगे और इस तरह के कानून नाफिज़ करेंगे। मैं आई एम नॉट ए वेरी रिलीजियस पर्सन, लेकिन ये कौन सी शरीयत कहती है कि लड़कियों को स्कूल में ना जाने दो या उनको टॉप पोजिशन दो,
तो मैं समझता हूँ इस लिहाज से पाकिस्तान के इससे मामले में बेहतर है कि हमारे देखे बेनजीर भुट्टो खातून थी वजीर आजम रही, फिर ये भी मैंने खबरों में सुना था कि मलाला यूसुफ़ज़ई ये जो नोबेल प्राइज विनर है इसके अटैक के पीछे भी तो ये एक्सट्रीमिस्ट का हाथ था। तो ये कोई भी रिलीजन इस किस्म की बातें नहीं करता जिस किस्म की ये अफगानिस्तान में बातें हो रही हैं। वी मस्ट अडॉप्ट ए मॉडरेट व्यू। चलो जी उनकी वो जाने, हमारे पास यहाँ पर बहुत कुछ है देखने के लिए। आप सुनाइए आपकी सेहत का क्या हाल है जी? आपकी सेहत कैसी है? हेलो, आपकी सेहत कैसी है? सेहत बस अल्लाह से दुआ करें बस ठीक ही रहे बस जब तक। हमेशा आप काशी टेलीविजन की दुआ में शामिल है, मैं हमेशा आपके लिए दुआ करता हूँ। अगले हफ्ते आज ही के दिन आज ही के समय एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब के लिए अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच इंडीड। हम ऊपर वाले से दुआ करते हैं कि अफगानिस्तान में हालात बेहतर हो जाएं, और किस किस जगह की हालात की बेहतरी के लिए हम दुआएं करें, क्योंकि हर तरफ ही आजकल जो चल रहा है मौसम की वजह से, ड्रग्स की वजह से, या फिर शूटिंग्स की वजह से, या फिर जैसा अफगानिस्तान में है उसकी वजह से, तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि प्रिपेयर्ड प्रोग्राम करने से पहले अगर इन लफड़ों की तरफ हम नज़र डालेंगे तो वो प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया ही नहीं जा सकेगा, क्योंकि जो प्रोग्राम अभी करना है वो तो अभी मैंने स्टार्ट ही नहीं किया है। अब जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे कंट्री में, डेविड कैमरन आए थे, डेविड कैमरन ने आकर जो लोग ड्रग से पीड़ित थे जिससे कि उनका इलाज होता था, तकरीबन 50% सारी ग्रांट्स बंद कर दी थी और वो बेचारे रुल गए। और अब आलम ये है कि कोकेन भी है, क्रैक भी है, हेरोइन भी है, वीड भी है, उसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से दुनिया की जान जा रही है, लेकिन हमारी सरकार आजकल लाफिंग गैस के पीछे पड़ी हुई। वो इतने इतने सिलेंडर आपने देखे होंगे इधर उधर पड़े, मैं अभी घर से निकला तो थोड़ी दूर आगे पड़े थे, पहले मेरा दिल किया कि एक उठा के लाऊं आपको दिखाऊं। वो लाफिंग गैस होती है, और आजकल कोशिश की जा रही है कि लाफिंग गैस के इस्तेमाल को क्रिमिनलाइज कर दिया जाए। कोकेन से दुनिया मर गई, क्रैक से लोग मर रहे हैं, हेरोइन से दुनिया मर रही है पेट पकड़ पकड़ के, वो उसके बारे में कुछ नहीं किया जा रहा, लाफिंग गैस के बारे में उसको क्रिमिनलाइज करने के बारे में सोचा जा रहा है। आइए इन सारी चीज़ों से हम दूर चले जाते हैं और हम भगवान श्री कृष्ण को याद करते हैं, क्योंकि आजकल के इस भागते दौड़ते दुनिया में हम अगर अपने देवी देवताओं को याद करें तो हमारे मन को सुकून मिलता है, दिमाग को शांति मिलती है, और उसके अलावा वो सुपर पावर जो कि इस निज़ाम को चला रही है, जिसके हमने बहुत से नाम रख रखे हैं, कोई भगवान कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई अलग अलग आगे नाम उन्होंने रखे हैं, वो हम उन सब के प्रोग्राम यहाँ काशी टेलीविज़न पर करते हैं और आगे भी करेंगे, और हम चाहेंगे कि इन प्रोग्राम्स में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि हम सब की फीलिंग्स जो है वो जिंदा रहे, और किसी भी की फीलिंग इसलिए ना हर्ट हो कि हमने उनका प्रोग्राम नहीं किया। आप भी अपनी कम्युनिटी का, अपने मजहब का, किसी तरह का कोई भी प्रोग्राम अगर आप करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और पूरी तैयारी के साथ वो प्रोग्राम आपकी सेवा में पेश किया जाएगा। और अगर आप स्पॉन्सर करवा देंगे तो दो हफ्ते पहले हम जी गज बज के टेलीविज़न पर खड़े होकर सोने कपड़े पा के आपका प्रोमो बनाएंगे, और प्रोमो बना के आपका नाम भी आएगा और एड्रेस भी आएगा, टेलीफोन भी आएगा, और हम आपका सारा प्रोग्राम करेंगे। आइए इस प्रोग्राम की तैयारी करवाने के लिए मैं बहुत थैंक यू करता हूँ, सबसे पहले अपनी कुक और अपनी ड्रेस डिज़ाइनर डॉक्टर कुलदीप संधू जी का, उसके बाद मैं थैंक यू करता हूँ मुकेश जी का जो कि बहुत बड़े गायक हैं, और उसके बाद मैं योगा क्वीन एस्ट्रोलॉजर और काशी टेलीविज़न की प्रेजेंटर कमलजीत जी का बहुत थैंक यू करता हूँ जिन्होंने इस प्रोग्राम की तैयारी करवाई। भगवान श्री कृष्ण की ताकत आज भी है, ये उन लोगों से पूछिए जिनका रेप हुआ या जिनका रेप होने लगा था और उस ताकत ने उनको बचा दिया, उन लोगों से पूछिए जो कि बिल्कुल ही गिर गए, उन लोगों से पूछिए जिनके पास कोई रास्ता नहीं था, उस वक्त वो पावर आई थी, उन्होंने महसूस की थी और उनका निज़ाम फिर आगे चला था, और उनमें से बहुत से लोग इस बात के सबूत भी हैं और गवाह भी हैं और आपके सामने भी हैं। भगवान श्री कृष्ण की मुस्कुराहट हम में से कोई भी नहीं भूला, और फिर उसके बाद
वो एनर्जी जो कि आज भी इस दुनिया में है, उसका हम आज प्रोग्राम करते हैं। और मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि पिछले बहुत से सालों से, अबाउट 32 ईयर्स से, मैं ये प्रोग्राम आपकी सेवा में हर साल करता हूँ। और ये प्रोग्राम करने से पहले जितना नर्वस मैं पहले दिन था, उतना नर्वस ही मैं आज भी महसूस करता हूँ। और मैं आपको बताऊँ, उस रेडियो पर जब मैं लगा था तो उस दिन जन्माष्टमी थी। फिर उसके बाद और भी बहुत सी ऐसी बातें हैं। ये पहली बार जब मैंने प्रोग्राम किया था तो जो उसके हालात थे मुझे आज भी याद हैं। उस वक्त जो मेरे साथी थे, मेरे दोस्तों की शिकायतें, मेरे दुश्मनों की इनायतें, वो सब मुझे याद हैं। लेकिन समय की कमी की वजह से वो बातें आपकी सेवा में नहीं आ रही हैं। आइए हम श्री कृष्ण जी के जन्म के वक्त क्या क्या सर्कमस्टेंसेस थे वो आप याद करते हैं, और फिर सारे साल हम उसी याद को दिमाग में रख के चलेंगे और अगले साल फिर एक दूसरे के साथ इस प्रोग्राम को सेलिब्रेट करेंगे। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। इसी तारीख को श्री कृष्ण का मथुरा नगरी में असुरराज कंस के कारागार में जन्म हुआ था। इस दिन कृष्ण जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में मंदिरों में जगह जगह कीर्तन और झांकियाँ सजाई जाती हैं। 12 बजे रात को व्रत रखकर भगवान का प्रसाद लिया जाता है। दूसरे दिन शुरू ही प्रातः ही इस उपलक्ष्य में नंद महोत्सव भी मनाया जाता है। इस प्रोग्राम को किरण जी भी सुन रही हैं काशी टेलीविजन पर, मैं उनका बहुत बहुत वेलकम करता हूं। और मैं चाहता हूं कि एक दिन मेरे साथ बैठकर वो यहां प्रोग्राम करें और हम दोनों भाई बहन बहुत खुशी के साथ पब्लिक का एंटरटेनमेंट करें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जीवन का एक ही लक्ष्य है, एंटरटेनमेंट। भगवान के ऊपर हल्दी, दही, घी, तेल वगैरह छिड़क कर आनंद से पालने में झुलाया जाता है। इस दिन भागवत, श्री कृष्ण, कौस्तुभ आदि ग्रंथों में कृष्ण जन्म में कथा सुननी चाहिए। जन्माष्टमी के दिन उपवास करने से मनुष्य प्रातः मनुष्य 7 जन्मों के पाप से छूट जाता है। धर्म शास्त्रों में पलंग पर देवकी सहित श्री कृष्ण के पूजन का विधान बतलाया जाता है। जो कृष्ण जी की कथा है वो तो आप अच्छी तरह से जानते ही हैं, और जब पिछले बहुत से सालों से मैं आपको सुनाता आ रहा हूँ तो पूतना की कहानी सुनाने में मुझे बड़ा आनंद मिलता है कि कैसे पूतना बेहोश होकर गिर गई थी। आइए कथा शुरू करते हैं। द्वापर युग में जब पृथ्वी पाप और अत्याचारों के भार से दबने लगी तो पृथ्वी गाय का रूप बनकर सृष्टिकर्ता विधाता के पास गई। ब्रह्मा जी सब देवताओं के सम्मुख पृथ्वी की दुखांत कथा सुनने लगे। तब सभी देवगण निर्णयार्थ विष्णु जी के पास चलने का आग्रह किया। सभी लोग पृथ्वी को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, आराम कर रहे थे। स्तुति करने पर भगवान की निद्रा भंग हुई और सबसे आने का कारण पूछा कि तुम क्यों आए। तब दीन आवास में जमीन बोली, महाराज मेरे ऊपर बड़े बड़े पाप हो रहे हैं, इसलिए इसका निवारण कीजिए। ये सुनकर भगवान बोले, मैं ब्रिजमंडल में वासुदेव गोप की वाइफ कंस बहन देवकी के गर्भ से जन्म लूंगा। तुम लोग ब्रिज भूमि में जाकर यादव कुल में अपना अपना शरीर धारण करो। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए, यानी कि गायब हो गए। जब भगवान लोग गायब होते तो उनको अंतर्ध्यान कहते हैं। वही देवता और पृथ्वी ब्रज में आकर यदुकुल में नंद यशोदा और गोपियों के रूप में पैदा हो गए। कुछ दिन व्यतीत हुए, वासुदेव नवविवाहिता देवकी और साले कंस के साथ गोकुल जा रहे थे। तभी अचानक आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिसको तू अपनी बहन समझकर साथ ले जा रहा है उसी गर्भ का 8वां पुत्र तेरा काल होगा। कंस ये सुनते ही तलवार निकालकर देवकी को मारने दौड़ा। तब वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, कंसराज ये औरत बेकसूर है, इसे आपका मारना ठीक नहीं। पैदा होते ही आपको अपनी सब संतानें मैं दे दिया करूंगा, तो कौन आपको मारेगा।
कंस उसकी बात मान गया और उसे उन्हें जेल में जाकर बंद कर दिया। इसी रीति से वासुदेव अपने सभी पुत्रों को देते गए। पापिष्ठ कंस उनको मारता गया। देवकी के साथ पुत्रों के मारे जाने के पश्चात आठवें गर्भ की बात जब कंस को मालूम हुई तब विशेष कारागार में उसको डालकर पहरा लगवा दिया गया। भादों की भयावनी रात थी। रात के समय शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। माता तड़प रही थी आह आह और फिर बेबी हुआ तो चारों ओर रोशनी फैल गई। आसमान में तारे जोर से टिमटिमाने लगे। चांद की रोशनी भी खूब ज़्यादा हो गई और जो नदी थी वो ऐसे ऐसे उफन उफन कर चलने लगी। बहुत कुछ होने लग गया। सारा कुछ जल्दी जल्दी मैं बता नहीं रहा ना। लीलाधारी भगवान की ये लीला देखकर वासुदेव और देवकी उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान कृष्ण रूप में होकर अपने को गोकुल में नंद घर पहुंचाने और वहां से कन्या लाकर कंस को सौंपने का आदेश दे दिया। जब वासुदेव कृष्ण को गोकुल ले चलने के लिए तैयार हुए तभी उनके हाथ की हथकड़ियां टूट कर गिर गईं। दरवाजे अपने आप खुल गए। पहरेदार सोए हुए नजर आए। जाग रहे थे उस वक्त सो गए। भगवान की लीला हुई ना, ऐसे हुआ, सो गए। वासुदेव ने जब कृष्ण को लेकर जमुना में प्रवेश किया तो जमुना पीछे की ओर जाने लगी। यहां तक कि गले तक को भी छू लिया था उनके, पानी इतना चढ़ा हुआ था। चरण कमल छू लेने को लायत यमुना कृष्ण द्वारा पैर लटका देने पर बिल्कुल नीचे चली गई। वासुदेव जमुना पार करके गोकुल गए। वहां खुले दरवाजे तथा सोई हुई यशोदा को देखकर बालक कृष्ण को वहीं सुला दिया और सोई हुई कन्या को लेकर चले गए। वासुदेव कन्या लेकर आ गए तो जेल के दरवाजे पहले की तरह बंद हो गए। जब वासुदेव देवकी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गईं और कन्या रोने लगी, जगे हुए पहरी गणों ने कन्या का रुदन सुनकर तुरंत कंस के पास जाकर खबर दी। ये सुनते ही कंस ने कन्या को लेकर एक पत्थर की सिल्ली थी उससे दोनों टांगों से बच्ची को पकड़ा और व्यूं करके मारा। उह, मेरा ब्रेसलेट ही गिर गया। आए, इतनी जोर की कंस ने उसको मारा। जब वो पत्थर पे पटका तो वो जो कन्या थी वो पत्थर पे लगने की बजाय वो यूं हवा में उड़ गई ऊपर। जब वो हवा में उड़ गई तो ऊपर जाकर वो देवी बन गई और साक्षात देवी के रूप में प्रकट होकर बोली, हे कंस, तुम्हें मारने वाला तो गोकुल में बहुत पहले ही पैदा हो चुका है। यही भगवान कृष्ण ने बने होने पर अकासुर, बाकसुर, पूतना और क्रूर कंस जैसे राक्षसों का वध करके पृथ्वी और भक्तों की रक्षा की। भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि मैं आपको हिंदी में बताता हूँ, संस्कृत में प्रैक्टिस नहीं की है तो कहीं गलती ना हो जाए। ये गीता का चौथा श्लोक, चतुर्थ श्लोक है, सात। उसका मतलब है, मैं एक बार ट्राई करता हूँ। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानम धरणस्य तदात्मान सृजामहम्। हो गया। अर्थात, हे अर्जुन, जब जब धर्म की हानि होगी और अत्याचार बढ़ेगा तब तब धर्मोत्थान के लिए मैं पृथ्वी पर अवतार लेता हूँ। और कभी भी ये नहीं भूलना चाहिए कि हम अकेले हैं। हमेशा ऊपर वाला हमारी तरफ देखता है और हमारे सुख हमारे दुख हमारे लिए जो अच्छा है वो देता है। हम में से बहुत से लोग हैं जो कहते हैं, हाय हमें ये नहीं मिला, हाय हमें वो नहीं मिला, हाय हमारी माँ मर गई, हाय हमारे पिताजी मर गए, हाय मैं बड़ा दुखी हूँ, भगवान ने हमारे साथ ये किया। लेकिन भगवान ने जो हमारे लिए अच्छा था वो किया। उसी की रजा में रहकर हमें शांति मिलती है और शांति के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। और अगर उसी की रजा को मान लें तो हम हमेशा के लिए खुश और शांत भी रह सकते हैं।
इस प्रोग्राम की तैयारी के लिए मुकेश जी का थैंक यू, कमल जी जी का थैंक यू, डॉक्टर कुलदीप संधू जी का थैंक यू। और आप तो जानते हैं कि आप अगर खुश नहीं हैं और आप अगर बहुत बोर हो गए, डिप्रेशन आपके सर पे चढ़ के नाच रहा है, आपको एंग्जाइटी खा रही है, बुरा हाल बांके दिहाड़े आप महसूस कर रहे हैं, तो समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। तियां दा मेला हो रहा है जहाँ पर कि देसी डीवाज आ रही हैं। देसी डीवा जो है वो बहुत अच्छी लेडी है, मैं उनको जानता हूँ, वो मेरी बहन बनी हुई हैं, और उनके साथ मचलती हुई हसीनाएं आपका एंटरटेनमेंट करेंगी, वो गिद्दा करेंगी ऐसे ऐसे जो पंजाबी लड़कियाँ करती हैं, मुझे तो पता नहीं क्योंकि मैं पंजाबी नहीं हूँ, मैं हरियाणवी हूँ, तो मुझे तो हरियाणवी डांस आते हैं ऐसे ऐसे करके, किसी दिन आपको दिखाऊंगा ज़रूर। और उसके बाद रूप एंड सोनू, ये राजू ढोली लोग जो होते हैं पंजाबी के, वो वहाँ ढोल बजाएंगे। और फिर उसके अलावा 3-course meal भी होगा, वहाँ पर डीजे भी होगा, डीजे मस्ती, नाम में ही मस्ती है। फिर उसके अलावा हमारी बहुत बड़ी प्रेजेंटर है, वाह 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 वाह, क्या ही कहने उनके, ऐसा प्रोग्राम करती है और ऐसी बातें करती है कि पूछिए ना, बलबीर कौर, वो भी वहाँ होंगी। और इस प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत थैंक यू, मोमी जी का असिस्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और अगले हफ्ते आज ही के दिन, आज ही के समय, आप तो जानती हैं, एक बार फिर से काशी टेलीविजन पर मुलाकात होगी, यानी कि फ्राइडे को जब वीकेंड आता है तब, दोपहर के 1 और 2 बजे के दरमियान। जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, काशी टेलीविजन को दिन में 24 घंटे ज़रूर देखते रहिए। और अब अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिए, बाय बाय।